वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट बाय निधि यूट्यूब चैनल। वूलन के धागे में से या तो फिर ऊन में से गार्लैंड बनाने के लिए सबसे पहले तो हम फ्लावर बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको कोई भी दो पेंसिल, दो स्केच पेन या दो पेन लेनी है। उसके ऊपर हम इस तरह से ये धागा रखेंगे जिसको हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको हम इस तरह से पकड़े रखेंगे और इसके ऊपर से हम इस तरह से रोल करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे मैं एक पेटल्स बनाने के लिए 9 या तो फिर 10, एक पेटल्स बनाने के लिए 10 राउंड्स यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये जो 10 राउंड्स है वो उससे हमें हमारे फ्लावर की फर्स्ट पेटल तैयार होगी। तो वैसे ही आपको जितनी नंबर ऑफ पेटल्स बनानी हो फ्लावर की, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ राउंड्स लगा सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सेकंड पेटल के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे मैं 50 to 60 राउंड्स लगा रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल मैंने 60 राउंड्स लगाए हैं 6 पेटल्स के लिए। और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था पेटल का। ये हम जॉइंट करने के लिए हमने ये दो धागे रखे थे जिसको हम इस तरह से पहले तो सिक्योर करेंगे पेन पे ही, उसको बाहर निकालने से पहले। यहाँ से हम धागा कट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इसको धीरे धीरे इस तरह से शिफ्ट करना है और साथ ही में ही हम इसको भी इस तरह से थोड़ा नज़दीक लाते जाएंगे। कम्प्लीटली आपको बाहर नहीं निकालना है अभी, पहले हम इसको थोड़ा सा सिक्योर कर देंगे। अब हम धीरे से इसको बाहर निकालेंगे शिफ्ट करते हुए, नीचे की साइड इस तरह से शिफ्ट करते हुए बाहर निकालेंगे। ओके, अब हम बहुत ही केयरफुली इसको सिक्योर करेंगे इस तरह से वापस सिक्योर करेंगे। फ्लावर परफेक्ट बनाने के लिए ये मैं स्लो मोशन में वीडियो बना रही हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो, तो जो हमने नॉट बनाई थी तो उसको मैंने इस तरह से पकड़ लिया है और ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट थे पेटल्स के, तो वो हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। अब आप देख सकते हो इस तरह का छोटा सा फ्लावर बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें ग्रुपिंग करना है। तो उसके लिए हम सुई लेंगे, छोटी सी छोटा सा धागा लेंगे, उसको सिक्योर करेंगे इस तरह से। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद हम 10 राउंड्स कवर करेंगे सुई पे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये 10 राउंड्स हमने ले लिए हैं यहाँ पे इस तरह से, आप देख सकते हो 10 राउंड्स। तो इसको हम इस तरह से सुई पास करेंगे। अब ये जो नॉट है, तो हमने दो धागे की नॉट बनाई है, तो इसमें से हमने इस तरह से परोया है। तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो धागे के बीच में जो गैप होता है, उसमें से हम सुई पास करेंगे इस तरह से और इसको हम इस तरह से सिक्योर करेंगे। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट पेटल फ्लावर की, है ना, बढ़िया, एकदम आसान। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी, लेकिन आज हम गार्लैंड बना रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो बने, इसी वजह से मैंने वापस ये रिपीट किया है। तो इस तरह से हम 10 पेटल्स की हमने ये बनाई है। इसके बाद वापस हम इसको सिक्योर करेंगे। सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी है परफेक्ट रिज़ल्ट के लिए। और फिर इस तरह से हम बैक साइड पे इसका फिनिशिंग करेंगे। तो बस यही स्टेप आपको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट 10 पेटल्स हम
इसकी पास की जो राउंड्स है वहाँ से शुरू करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे एक पेटल है 10। ओके, तो ये 10 पेटल का दूसरा हमने ग्रुप बना लिया है। वापस हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इस तरह से इसको सिक्योर करेंगे। तो छोटा सा फ्लावर हमारा रेडी है। यहाँ पे मेरे पास पर्पल कलर नहीं था इसीलिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है, आप मैचिंग कलर यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है, हम सेंटर में से इस तरह से धागा पास करके आप कोई भी स्टोन चिपका सकते हो या तो फिर इस तरह से मोती आप पास कर सकते हो सेंटर के लिए। इस तरह से, और पीछे की साइड अगेन हम इसको सिक्योर करेंगे। इस तरह से पकड़ कर सो इस तरह से आपको जितने फ्लावर्स बनाने हो उतने फ्लावर्स बनाने के बाद हम एक फाइल लेंगे, या तो फिर आप नोटबुक यूज़ कर सकते हो या तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके ऊपर हम इस तरह से ये जो फ्लावर है उसको हमें इसके राउंड्स बनाने हैं। आपको जितनी बड़ी जितनी लंबी लेंथ बनानी हो उस हिसाब से आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। धागे को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे मैं इस तरह से ये क्लिप लगा रही हूँ ताकि ये हिले ना फर्स्ट जो धागा है वो। और अब हम कंटिन्यू इस तरह से इसके राउंड्स लगाते जाएंगे। 15 से 20 जितने आपको राउंड्स लगाने हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 25 राउंड्स लगाए हैं, तो जिसको हम सिक्योर कर देंगे। अननेसेसरी थ्रेड्स हम कट कर देंगे। नेक्स्ट, अब हम एक साइड का जो कोई भी एक साइड हम इस तरह से इसको एकदम टाइट आपको इस तरह से इस नॉट बनानी है, एकदम टाइट, लूज नहीं होनी चाहिए। खास ध्यान रखें, लूज नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम 2-3 बार नॉट बनाएंगे और फिर उसके बाद ही हमें निकालना है। इस तरह से टाइट नॉट बनाने के बाद ये एक्स्ट्रा थ्रेड हम रिमूव कर देंगे। अब हम धीरे से इसको निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी थिक ये गार्लैंड का बेस रेडी हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे इस तरह से। इसके एग्जैक्ट सामने भी हम ये जो हमने नॉट बनाई थी इसके सामने वाले पॉइंट पे भी हम यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। दोनों साइड इस तरह से चेक करके वापस अब हम यहाँ पे इतना डिस्टेंस छोड़ के हम इस तरह से राउंड करेंगे और इसको इस तरह से टाइटली सिक्योर करेंगे। इस तरह से आपको सिक्योर करना है। एक दो राउंड घुमाएंगे इसके ऊपर और फिर हम अगेन, आप मोती चाहो तो डाल सकते हो वरना आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप नॉट बना के कट कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पे फ्लावर में मोती का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे भी अगर हम करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे बैक साइड पे हम इस तरह से लाके, ये धागा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, हम जो नॉर्मल नॉट बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे नॉट बनाएंगे। तो ये हमने फर्स्ट नॉट बनाई। अब इसके यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के वापस यहाँ पे हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे।
तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसी तरह से फॉलो करेंगे, इस तरह से। तो अगर आपको मोती डालना हो तो डाल सकते हो, वरना एज इट इज़ भी रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने फ्लावर रखना है तो हम फ्लावर रख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये मैंने गार्लिंग का बेस तैयार किया है। तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे ये पर्पल फिट कर सकते हो, यहाँ पे ये रेड, और बीच में आप इस तरह से सिंपली आपको टाई ही करना है, ये येलो यूज़ कर सकते हो। तो मूर्ति के लिए या तो फिर फोटो के लिए आप इस तरह से गार्लैंड बना सकते हो, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें हमने ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टिच या ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हमने नहीं यूज़ की है। इस तरह हम फ्लावर भी सिक्योर कर देंगे। तो इस तरह से ये तीन फ्लावर यूज़ करके ये मैंने माला बनाई है गणपति जी के लिए। आप चाहे तो और दो फ्लावर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। रियली ये बहुत ही सिंपल आइडिया है, और आप भगवान के फ़ोटो के लिए या तो फिर मूर्ति के लिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हो। ऐसे ही तरीके से आप छोटी बच्चियों के लिए भी इस तरह से माला बना सकते हो। इस तरह से गणपति जी की मूर्ति के लिए यहाँ पे मैंने इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति बनाई है, तो उनके लिए ये मैंने हार बनाया है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करना, ये माला एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने चंदन से कलर किया है, कुमकुम है और अबील है। तो कम्प्लीटली कलर्स भी मैंने केमिकल वाले नहीं यूज़ किए हैं। और ये जो आइस पे ब्लैक कलर है, वो जो हम दिया करते हैं उसमें जो ब्लैक लास्ट में हो जाता है, तो उससे ही मैंने वो कलर किया है। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी, और आप सब भी ये माला ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। और साथ ही में आप मन चाहे उतने फ्लावर्स आप लगा सकते हो, और अकॉर्डिंग टू लेंथ आप ये बेस बना सकते हो। अगर बेस छोटा है तो आप उसको बड़ा भी कर सकते हो यहाँ पे जॉइंट करके।